लगा कि परवेज खटक साहब आज इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने आए हैं, बहैसियत पश्तून, बहैसियत पाकिस्तानी। बड़ा दुख हुआ कि खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी और वजीर आला बनाया उस सूबे का, जिस सूबे में मोहतरम खटक साहब 40 साल सियासत कर किया उन्होंने, लेकिन एक इरिगेशन के वजीर से आगे नहीं जा सके। इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट का वजीर दिफा बनाया, और जब वक्त आया उम्मत के लीडर के साथ खड़े रहने का। सियासत देखें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आपकी तो आदत है, पार्टियां भी बदलते रहते हैं, पार्टियां भी आती जाती रहती हैं, लेकिन सदियों में कभी मौका मिलता है उम्मत के लीडर के साथ स्टैंड लेने का। अफसोस हुआ कि जब वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खटक साहब आपने मायूस किया। मैं फिर भी आपका एहतराम करूंगा, लेकिन जिस तरीके से आप इमरान खान साहब से पीछे हटे हैं, आपको जवाब नौशेरा आपकी अपनी आवाम ने दे दिया है, तो मैं उस पर आपको क्या कहूँ कि एक कल के नौजवान इमरान खान साहब के सिपाही शहादत को जिताया। मैसेज आपको यह है कि खटक साहब, हम आपके साथ तक थे जब तक आप इमरान खान साहब के साथ थे। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मैं उनको सिर्फ ये कहूंगा कि गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगदों में पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। बाकी कल सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट का जो केस है वो सुना गया, खवातीन का, माइनॉरिटीज का।